और दूसरी बात जो उसने कही, उसने इस लड़की को झकझोर दिया। लड़के ने बताया कि जो लड़की किसी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, वह एक दिन उसको भी छोड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र और आज जो कहानी लेकर आया हूँ वह एक सच्ची घटना है। पिछले महीने 22 फरवरी को दादर काशी एक्सप्रेस जो मुंबई के लिए जाती है, मैं मऊ स्टेशन से गाड़ी में बैठा और मेरे सामने जो वाकया हुई, जो मैंने देखा, उसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। स्लीपर बोगी थी, मैं साइड वाले बर्थ पे था। जो दो साइड की बर्थ होती है उसमें भीड़ भी बहुत कम थी। एक लड़का खिड़की के पास बैठा था, हाथ में बॉटल था, एक बैग लिए हुआ था। कुछ देर बाद अगले स्टेशन पे सामने वाली बर्थ पे एक लड़की आकर बैठती है। लड़की खुश थी, अंदर से खुश थी, उसकी निगाहें इधर उधर देख रही थी। सामने वाला लड़का जो था वह एकटक इस लड़की के हाव भाव को देख रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि ये खुश भी है और इधर उधर देख रही है। उसको पढ़ना चाहता था, उसको जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है, आखिर क्यों इतना खुश है। कुछ देर बाद गाड़ी चलती है और लड़का देखते देखते कुछ देर बाद उस लड़की से पूछता है, आपको कहाँ जाना है? लड़की बताती है, मुझे इलाहाबाद जाना है। फिर खामोश हो जाती है, लेकिन लड़का उसको लगातार देखता जा रहा है। वो उसको वॉच करना चाह रहा था, उसको जानना चाह रहा था, कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसको जानना चाह रहा था कि क्यों इतनी खुश है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है। कुछ देर बाद एक बार लड़के से रहा नहीं गया और फिर एक बार पूछता है कि अपने पापा के यहाँ जा रही है? लड़की बोलती है, नहीं, आपसे मतलब? लड़का बोलता है, अरे कोई मतलब नहीं, ऐसे पूछ लिया था। फिर खामोश हो गया। गाड़ी चलने लगी, आगे ओढ़ियाल जंक्शन पे गाड़ी रुकती है और लड़की चाय वाले को आवाज़ देती है। चाय वाला आता है, उसको चाय देता है और जैसे ही चाय खिड़की के तरफ से पकड़ाता है गाड़ी खुल जाती है। जब गाड़ी खुलती है तो उसका जो झटका लगता है गाड़ी का, उससे चाय उसके हाथ से हिल जाती है और कुछ इसके हाथ पे गिर जाती है। लड़का फौरन एक्टिव होता है और बाटल का जो पानी लिया उससे उसके हाथ को धुलवाता है, रिलैक्स करता है। लड़की थैंक यू बोलती है और इसके बाद फिर गाड़ी चलती है। कुछ देर बाद धीरे धीरे दोनों में एक एक दो दो बातें होते होते सामान्य तौर पे बातें होने लगती है। फिर लड़का पूछता है कि इलाहाबाद आप पढ़ती हो? लड़की कहती है, नहीं। पापा के यहाँ जा रही? नहीं। लड़का पूछते, आपकी शादी हो गई? इस तरह के प्रश्न लड़की को थोड़ा सा विचलित करते हैं। एक लड़का पूछता है कि आपकी शादी हो गई? तो बोलती है, नहीं, शादी नहीं हो गई, शादी करने जा रहे हैं। फिर लड़का बोलता है, इसका मतलब कि शादी करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके आपका वहाँ घर है? लड़की बोलती है, नहीं, मेरा घर नहीं है। फिर अपनी कहानी बताती है कि फेसबुक के जरिए एक लड़के से बातचीत होती थी, बातचीत के दरमियान इन दोनों में प्रेम हो गया और चूँकि घर वाले इससे सहमत नहीं थे, इनकी शादी से सहमत नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने फैसला कर लिया कि हम भाग करके शादी करेंगे और आज हम उसी शादी के सिलसिले में जा रहे हैं। तो फिर लड़का पूछता है, वो लड़का क्या इलाहाबाद का रहने वाला है? लड़की बोलती है, नहीं, वो मुंबई रहता है, मुंबई से इलाहाबाद आ रहा है। तो फिर लड़का पूछता है इससे कि यहाँ से कहाँ जाओगी? तब लड़की ने बताया, यहाँ से हम दोनों दिल्ली के लिए रवाना होंगे, वहाँ जाकर कोई जॉब वगैरह खोजा जाएगा और वहीं सेटल होंगे। फिर लड़की ने उल्टा सवाल किया इस लड़के से, तुम्हारी शादी हो गई? लड़के ने कहा, नहीं, कोई लड़की नहीं पसंद आई।
फिर पूछती है कि क्या कभी तुमने प्रेम किया है? लड़के ने कहा हाँ किया। तो फिर शादी क्यों नहीं की? लड़की ने पसंद नहीं किया? तो बोलता है कि नहीं, लड़की ने भी पसंद किया। तो फिर शादी क्यों नहीं की? घर वाले राजी नहीं थे। तो लड़का बोलता है कि हाँ घर वाले राजी नहीं थे। तो फिर लड़की बोलती है तो तुम भी भग के शादी कर लेते। तो जो लड़के ने जवाब दिया, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात थी, लड़के ने कहा कि नहीं, मैं इस विचार का नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि एक रिश्ते को तोड़ करके दूसरे रिश्ते को बनाया जाए, या मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ। और दूसरी बात जो उसने कही, उसने इस लड़की को झकझोर दिया। लड़के ने बताया कि जो लड़की किसी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, वह एक दिन उसको भी छोड़ सकती है। तब इस लड़की ने जब इसकी इस बात को सुना तो इसके सर से पैर तक एक बिजली सी कौंध गई और ये विचार करने लगी। और इसने उस लड़के से क्षमा मांगी, कहा कि आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ये बात सही है, जो किसी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वह एक दिन उसको भी छोड़ सकता है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, अब मैं अपने माँ बाप के विचार से शादी करूँगी। और दोस्तों, जब अगला स्टेशन आता है तो लड़की इसका नंबर लेती है और स्टेशन पर उतर जाती है और बोलती है कि भैया अब मैं जब मेरी शादी होगी तो आप मेरी शादी में ज़रूर आना है। और इस आग्रह के साथ लड़की इसको विदा करती है। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी? ये कितनी प्रेरणादायी थी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर दो शब्द लिखिएगा।